हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बैटरी का कैबिनेट को असेंबल करने सीखेंगे। यहाँ पर हमने इसको निकाल रखा है, चलिए इसको असेंबल करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा बेस प्लेट है, इसके बैटरी रखा था। सबसे पहले हम लोग इसको चेक कर लेंगे। तो इसको हम लोग कैसे रख देंगे, ये हमारा साइड का वॉल है जिसको सिर्फ इस पर माउंट करना है। आप यहाँ पे देख पाइएगा, इसको इस तरह से रख हल्का सा दबाने पे ये माउंट हो जाता है। ये दूसरे साइड का है, फ्रेंड्स माउंट करने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। अब हम लोग इस पर ऊपर का लेयर चढ़ा लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसका टॉप माउंट लगाएंगे। ये देख पाए कि डिजाइन जिस तरह से उसी तरह से इसको बैठाना है। इसको रख यहाँ पे रख, बस प्रेस कर ये बैठ जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पाइएगा 80% असेंबल हो चुका है। हम लोग इसमें फ्रंट का पैनल लगाएंगे, उसके बाद हम लोग इसका व्हील को सेट करेंगे। ये इसका फ्रंट पैनल है, अब देख पाइएगा इसमें नीचे की तरफ लॉक बना हुआ है जिसको हम लोग इसके नीचे की साइड में सेट करेंगे। आप यहाँ पे देख पाइएगा दो लॉक है। साथ ही फ्रेंड्स, ऊपर में क्लिप दिया है, क्लिप को प्रेस करके हम लोग कैबिनेट को फिट कर लेंगे। फ्रेंड्स, पैनल को सेट करने के बाद फ्रंट से इसका ये व्यू है और इसका बैक साइड से ये ओपन ही रहता है जिसमें हम लोग बैटरी को रखेंगे। चलिए अब इसका व्हील को हम लोग असेंबल कर लेते हैं। सबसे पहले इसको उठा घुमा देंगे इस तरह। यहाँ पर आप देख पाइएगा सॉकेट, 1 2 3 4 5 सॉकेट है। तो बस इसको यहाँ पे रख के हल्का ऐसे प्रेस कर देना है, ये असेंबल हो गया। व्हील लगने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। चलिए इसको एक बार हम लोग रोल करके देख लेते हैं। इसको हम लोग मूव करके चेक कर लेते हैं, अच्छे तरह से वर्क कर रहा है ये। कैबिनेट सेट हो जाने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा।